हेलो स्टूडेंट्स, मैं वली उद्दीन शेख कादरी। मेरा कोचिंग चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस और यूट्यूब का चैनल अली उद्दीन शेख कादरी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बॉटनी बता रहा था और हिस्ट्री ऑफ बॉटनी में हमारे जो पहले अध्याय में आप लोगों ने देखा, जो पार्ट वन मैंने अपलोड किया है, पार्ट वन में आप लोगों ने देखा कि मैंने 1809 जीन टेस्टेड लैमार्क की थ्योरी तक मैंने डिस्कस किया और लैमार्क की थ्योरी में मैंने बताया, इन्होंने जो सबसे अपना इंपॉर्टेंट कमेंट रखा था वह था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। अर्थात उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत से अर्थ यह होता है कि वाह्य रूप से अर्जित किया हुआ लक्षण। जैसे सपोज करिए कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर वाह्य रूप से अर्जित किए हुए गुणों को अध्ययन करेंगे, जैसे गायकी करना, वादन मतलब वाद्य यंत्रों को बजाना, कुश्ती हो गई, दंगल करना, लोहार आप जान ही रहे हैं जो लोहे का काम करते हैं, तो ये सब ऐसे करैक्टर हैं जो एक्सटर्नल करैक्टरों की इन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर, जो करैक्टर वाह्य रूप से अर्जित किया जाता है ऐसे करैक्टरों की वंशानुगत होती है, वाह्य गुणों की वंशानुगत होती है। यही जिन व्यक्तिष्ठ डिलेमार्क, इनका सबसे विवादास्पद विषय रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, गायक का बेटा गायक नहीं हो सकता, पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता, लोहार का बेटा लोहार नहीं हो सकता, कुम्हार का बेटा कुम्हार नहीं हो सकता। परंतु इनके अनुसार, जिन एप्टिस्टेड लैमार्क के अनुसार, अगर उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत को देखा जाए तो गायन की क्रिया उसके उपार्जित लक्षण है, उसने वाह्य रूप से गाना सीखा है तो वह गाना उसके वंश में आना चाहिए, उसकी पीढ़ी में आना चाहिए। इसके लिए मैकडूगल ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने चूहे को लिया और उसकी पूंछ को काट दिया, फिर देखा उसकी अगली जनरेशन में फिर पूंछ वाला चूहा पैदा हो गया, फिर उसकी पूंछ को काटा, फिर पूंछ वाला चूहा पैदा हुआ, फिर उसकी पूंछ को काटा, फिर पूंछ, इस तरह से 16 पीढ़ियों तक लगातार एक चूहे की पूंछ से अगले चूहे को जन्म लेते थे, उनके चूहे की पूंछ से इस तरह से पूंछ काटते चले गए और एट लास्ट में देखा कि फिर जो है ऐसा चूहा पैदा हुआ जिसकी पूंछ थी। अगर वाह्य रूप से अर्जित किया हुआ लक्षण होता तो बिना पूछ वाला चूहा पैदा होना शुरू हो गया होता, क्योंकि 16 पीढ़ी चल चुकी है, 16 जनरेशन चल चुकी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत नहीं होती, जबकि जिन व्यक्तिष्ठ लैमार्क की थियोरी का पहला ही उद्देश्य था, पहली ही थियोरी थी इनकी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो विवाद का विषय बन गए। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, अमीसी वैज्ञानिक इन्होंने सबसे पहले, अमीसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है पराग नलिका की खोज किया था। पराग नलिका का असर यह होता है कि जिसमें से परागकण प्रवेश करके ओवरी में इंटर करता है, ओवरी में जाते हैं और ओवरी में जाने के बाद ये ओव्यूल को फर्टाइल कर देते हैं, तो ये प्रोसेस जो आपने देखा यह हुआ है 1824 में। अमीसी वैज्ञानिक ने पराग नलिका की खोज किया। 1828 में आइए देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन सन 1828 में इन्होंने सबसे पहले ब्राउनियन मोशन, जिग जैक मोशन टेढ़ी मेढ़ी गति, इस तरह से जिग जैक मोशन आप देख सकते हैं, कोई भी मोशन ऐसा नहीं जो लीनियर हो,
जितना भी मोशन इस तरह से आगे आया, फिर यहाँ से इस तरह से बैठ कर गया, फिर मुड़ा, फिर ये मुड़ गया, फिर यहाँ से इस तरह से ऐसे, फिर इस तरह से, फिर यहाँ पर इस तरह से इसे, ये मोशन जो आप देख रहे हैं ये जिगजैग मोशन है, टेढ़ी मेढ़ी गति है। अगर ये लीनियर मोशन होता जाहिर सी बात की काफी ज्यादा लंबाई तय करता, तो लीनियर मोशन नहीं है, ये जिगजैग मोशन है, टेढ़ी मेढ़ी गति है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जिगजैग मोशन का अध्ययन किया और इसके विषय में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले बताया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अगले साइंटिस्ट जो है वो है स्लीडन, सॉरी, इसने उन्होंने 1831 में ही, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ही केंद्रक का आविष्कार कर दिया, केंद्रक को खोजा। 1838 और 1839 जो कि विज्ञान के विषय का सबसे उत्कर्ष काल कहा जाता है, इन्होंने स्लीडन और स्वान, दो वैज्ञानिक स्लीडन और स्वान, सन 1838 और 1839 1838 एंड 1839, इन्होंने कोसावाद दिया, सेल थियरी कोसावाद दिया। और 1840 में 1840 में सबसे पहले पुरकिंजे, साइंटिस्ट पुरकिंजे ने बताया कि ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य। और इन्होंने यह भी कहा द प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस फिजिकल ऑफ लाइफ, जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है, जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है, यह थियरी दिया। 1840 में दूसरी थियरी आ रही है ह्यूगो डी वीज की, जिन्होंने म्यूटेशनवाद दिया है, उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद किस पर दिया? ह्यूगो डी वीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया है अपने एक प्लांट पर जिसका नाम था इयानोथेरा लैमार्कियाना, जिसको हिंदी में कहा जाता है सांध्य प्रिमरोज। सांध्य प्रिमरोज को कहा जाता है इयानोथेरा लैमार्कियाना। ध्यान रहे कि इनका कहना यह था कि जीव में होने वाला आकस्मिक परिवर्तन जो वंशानुगत हो जाता है, जीव में एक ऐसा परिवर्तन होता है, आकस्मिक परिवर्तन होता है जो कि वंशानुगत हो जाता है, ऐसे वंशानुगत परिवर्तन को इन्होंने कहा कि ये म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है। परंतु ध्यान रहे कि उत्परिवर्तन कभी भी हानिकारक नहीं होते, उत्परिवर्तन सदैव लाभदायक होता है, उत्परिवर्तन सदैव लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं होता। अर्थात अगर वह उत्परिवर्तन ऐसा हो गया, कल से सपोज के लिए दाहिना हाथ ना हो, तो एक हाथ ना होने से आदमी के शरीर में कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, ऐसा उत्परिवर्तन नहीं होगा, इसको हम उत्परिवर्तन की श्रेणी में नहीं काउंट करेंगे। उत्परिवर्तन मैंने बताया कि यह सदैव लाभदायक होगा। ध्यान रहे जिस जीव में सबसे पहले यह उत्परिवर्तन देखा जाता है उस जीव को उत्परिवर्तक कहा जाता है, म्यूटेंट कहा जाता है, और यह पूरा प्रोसेस ही म्यूटेशन कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह थियरी 1840 में ह्यूगो डी व्रीज की थी। सन 1840 में ह्यूगो डी व्रीज वैज्ञानिक, डच वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, इन्होंने अपनी थियरी को दिया था और प्लांट इन्होंने लिया था सांध्य प्रिमरोज, जिसका नाम मैंने बताया इयानोथेरा लैमार्कियाना। 1846 में देखिए ह्यूगो वान मोल, साइंटिस्ट ह्यूगो वान मोल, इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म बताया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या विदाउट प्रोटोप्लाज्म कोई भी एनिमल सर्वाइव कर सकता है, लाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, इसके विषय में इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया। इन 1848 में आइए, 1848 में हाफमिस्टर, साइंटिस्ट हाफमिस्टर, हाफमिस्टर ने ट्राइकैंसिया, पौधे का नाम है ट्राइकैंसिया, हाफमिस्टर ने ट्राइकैंसिया नामक पौधे में बताया कि इसमें कि न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, अर्थात न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यह रही हिस्ट्री ऑफ बॉटनी, और आगे देखते हैं। इसके बाद इन्होंने अल्टरनेशन और जनरेशन को बताया 1849 में, इन्होंने ही बताया, हाफमिस्टर ने बताया कि अल्टरनेशन और जनरेशन पीढ़ी एक अंतरण होता है, अर्थात एक जीव जिस चक्र से होता हुआ पुनः अपने प्रजाति को प्राप्त करता है, फिर से वही चक्र दोहराता है, जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं रिकैपिटुलेशन थियरी। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा एक जीव फिर से अपने प्रारंभ की अवस्था में आता है और वही प्रक्रिया इनकी लगातार चलती रहती है, यह प्रोसेस चलता रहता है, इसी को कहा गया पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 1858 में देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 1858 में रुडोल्फ विरकाओ,
साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, रुडोल्फ विरकाओ ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा ओमनी सेलुला ए सेलुला। सेल की जब डेफिनेशन दी गई तो सेल को कहा गया कि हॉलो चैम्बर है, जो है कोष्ठक होते हैं, हॉलो चैम्बर होते हैं, और हॉलो चैम्बर के लिए इन्होंने बताया कि यह ऐसा नहीं है, ओमनी सेलुला ए सेलुला से बना हुआ है, ओमनी सेलुला ए सेलुला नाम दिया। और यह भी इन्होंने स्पष्ट किया कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं, अर्थात कोई भी कोशिका ऐसी नहीं होती जो कि बिना पूर्ववर्ती कोशिका के जन्म लेती हो, सभी कोशिकाओं का जन्म उनके पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। आइए आगे देखते हैं, 1859 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, 1859 चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी जो बुक लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों का विकास, यह दिया है 1859 में इन्होंने अपनी पुस्तक को लिखा। और ध्यान रहे कि इनका जन्म तब हुआ था जब जिन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जियोलॉजिक लिखा था 1809 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म होता है। 1859 में 1859 में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित कर दिया, कौन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रकाशित कर दिया द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों का विकास, अर्थात प्रकृति चयन करती है नई जातियों का, यह सिद्धांत इन्होंने दिया। और इस सिद्धांत के लिए इन्होंने बीगल नामक जहाज से 5 साल तक लगातार सर्वेक्षण किया था। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया 1881 में जो इनका एक्सपेरिमेंट था वह कैनेरा, कैनेरा ये घास होती है, ग्रास है, ये एक घास है, ग्रास है, उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि इसमें प्रकाशानुवर्तन गति होती है, प्रकाश के प्रति ये अनुक्रिया करते हैं, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा होता है पौधे की गति उसी दिशा में होती है, प्रकाशानुवर्तन गति। 1862 अप टू 1883, 1862 से लेकर के 1883 तक जोसेफ डाल्टन और हुकर, बेथम हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम नामक अपनी पुस्तक लिखा, जेनेरा प्लांटेरम नामक अपनी पुस्तक लिखा, जिन्होंने जिसमें इन्होंने प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण किया। प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण का आशय यह होता है कि प्रकृति जिस जीव का वर्ण करेगी जिस क्लाइमेट में, वह जीव उसी क्लाइमेट में जीने का उत्तराधिकारी होगा, अन्यथा वह जीव उस क्लाइमेट में जीने का उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो यह प्राकृतिक वर्णवाद की श्रेणी पर जाता है, अर्थात प्रकृति के अनुसार उन्होंने वर्गीकरण किया, प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन देने का काम किया है जो है बेंथम और हुकर ने और जोसेफ डाल्टन ने, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं लुई पाश्चर, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, 1864 में लुई पाश्चर, इन्होंने सबसे पहले आप लोगों ने कहा पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस थ्योरी, स्वतः जननवाद, तो लुई पाश्चर ही ऐसे पहले वैज्ञानिक रहे, लुई पाश्चर ही ऐसे पहले वैज्ञानिक रहे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी का खंडन कर दिया कि जीवात जीवोत्पत्तिवाद सही है, जीव से जीव की उत्पत्ति हुई है, आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद सही नहीं है, ए बायोजेनेसिस थ्योरी सही नहीं है, कौन सी थ्योरी सही है, बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस थ्योरी के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह प्रूफ भी कर दिया। इसके लिए इन्होंने चिकन कॉलरा एक डिजीज है जो 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 है मुर्गों में होती है, चिकन्स में होती है, इस डिजीज के विषय में इन्होंने डिस्कस किया और पता लगाया। अब आइए आगे देखते हैं, 1864 में अर्नेस्ट हेकल साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया है, प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड लवक प्लास्टिड क्या होते हैं, अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या है, वर्णी लवक कितने प्रकार के, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक है, अवर्णी लवक है, तो इस तरह से प्लास्टिक क्या है और टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या होते हैं, इनका डिस्कस किया है 1864 में।
ऑर्नेस्ट हैकल ने। ध्यान दीजिएगा, और इसीलिए हैकल ने ज्यादा से ज्यादा प्रोटिस्टा प्रोटोजोअन्स के विषय प्रोटिस्टा के विषय में स्टडी किया है। और मैं आपको बता दूं 1866 में प्रख्यात वैज्ञानिक आनुवंशिकी के प्रख्यात वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट यह प्रकाश में आता है। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, ये तीनों नियम इन्होंने जो प्रतिपादित किया या तीनों नियम जो प्रतिपादित किया है यह प्रकाश में आया। और 1900 में इनको कह दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के पिता हैं ये। इसके बाद आइए देखते हैं 1874 में फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज किया है। और ये देखा किसमें किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड आ रहा है, आरएनए है या डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, माने न्यूक्लियस में जो न्यूक्लिक न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका नेचर क्या है, समझ आएगा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियोप्लाज्म का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें आरएनए और डीएनए नामक एसिड पाए जाते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। इस तरह से इनको पहचाना। 1878 में आइए देखते हैं साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर, इन्होंने सबसे पहले रोगाणुनाशी, कुछ ऐसे मेडिसिन का यूज किया, कुछ ऐसी दवाइयों को खोजा जो रोगाणुनाशी थे, जो रोगों का नष्ट करने वाले थे, अर्थात शुद्ध संवर्धन करने की प्रक्रिया कहा जाए कि प्योर कल्चर करने की प्रक्रिया का प्रारंभ अगर हुआ है तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा हुआ है, वह हुआ है 1878 में। आइए माय डियर फ्रेंड्स आगे चलते हैं। वाल्टर फ्लेमिंग इन 1879 में वाल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमैटिन नामक शब्द दिया। ध्यान दीजिएगा, क्रोमैटिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने किया है। और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति बताया, यह बताया कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, लेकिन नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया, ध्यान रहे, इसको क्रेमर और बेंडा ने दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम क्रेमर और बेंडा ने दिया 1905 में, सी बेंडा, ध्यान रहे इस बात का। अगले साइंटिस्ट 1879 में ई स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले सेल डिवीजन के विषय में बताया, कोशिका विभाजन के विषय में बताया कि कोशिका किस प्रकार से विभाजित होती है, और इन्होंने साइटोप्लाज्म क्या होता है और केंद्रक द्रव्य क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में डिफरेंस बताया। साइटोप्लाज्म यह होता है जो सेल और सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच जो पाया जा रहा है वो साइटोप्लाज्म है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जा रहा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इन दोनों प्रकार के लिक्विड में डिफरेंस क्या है, इसके डिफरेंस के विषय में सबसे पहले बताने का श्रेय जाता है ई स्ट्रासबर्गर को। ध्यान रहे कि ई स्ट्रासबर्गर ने ही एम्ब्रियोसाइट की भी खोज किया है, कि जिसमें भ्रूण कोष को कहा जाता है भ्रूण कोष, एम्ब्रियोनिक साइट, इसकी खोज सबसे पहले, इसके विषय में वर्णन सबसे पहले किया है। और पौधों में निषेचन का भी अध्ययन किया, पौधों में निषेचन का भी अध्ययन किया है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है यह किया इन्होंने 1884 में। 1888 में आइए देखते हैं कि 1888 में क्या हुआ है। सन 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर, इनका पूरा नाम डब्ल्यू वाल्डेयर है, 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। अगर कोई पूछता है कि गिव द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु यूज्ड फर्स्ट टाइम्स द टर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम टर्म का उपयोग सबसे पहले डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया है 1888 में। 1888 में सटन और बोवेरी, दो वैज्ञानिक सटन और बोवेरी, बोवेरी ने सेंट्रोसोम को खोजा और उसका नाम दिया कि तारक का क्या होते हैं, तारक का जहां से स्पाइंडल फाइबर बाहर निकल करके क्रोमोसोम से जुड़कर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स की साइड में
खींचने का काम करते हैं, उसको तारक काय कहा जाता है। और 1897 में देखिएगा क्रेमरबेंडा, 1897 क्रेमरबेंडा, इन्होंने ग्रैन्यूल्स को देखा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया 1905 में, जब जो है एफ मिलर्स ने क्लियर कर दिया एक निम्फिया नाम के पौधे में कि यहां भी देखिए निम्फिया नामक पौधे में यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया सब पाई जाती है। तो वहां पर ये क्लियर हो गया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जबकि 1897 में क्रेमर और वेंडा, सी वेंडा, जिसको सी वेंडा के नाम से जाना जाता है, क्रेमर वेंडा, इन्होंने कहा कि यही माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ दिया। इस तरह से आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ करके दो वर्ड में ले लिया, माइटोस कॉन्ड्रियम, माइटोस, माइटोस कॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम। माइटोस मीन्स होता है थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक। कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रैन्यूल, थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स। कणिका सदृश संरचनाएं, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम देने का श्रेय जाता है क्रेमरबेंडा को 1897 में। लेकिन अगर ये पूछा जाए वनस्पति कोष क्या है, तो एफ मिलर्स नाम के वैज्ञानिक ने निम्फिया नाम के पौधे में सन 1905 में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1897 में बता दिया मैंने, 1898 कैमिलियो गॉल्गी, कैमिलियो गॉल्गी ने 18 जो है गॉल्जी काय की खोज किया, उसके टोटल वर्क के विषय में बताया, संपूर्ण कार्यों के विषय में बताया, जिसके लिए इनको 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया 1906 में, 1906 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, याद रखिएगा। 1898 बुकनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले जायनेज एंजाइम, जायनेज एंजाइम का पता लगाया और उसके कार्यों का वर्णन किया, जायनेज एंजाइम का पता लगाया और उसके कार्यों का वर्णन किया, जिसके लिए इनको 1907 में नोबेल प्राइज दिया गया है, 1907 में नोबेल प्राइज दिया गया किसको, बुकनर को। सन 1900 में देखिए कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज और इरिस वॉन सॉर्मॉव, इन्होंने दोबारा कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज, इरिस वॉन सॉर्मॉव, ये तीन देश के तीन अलग अलग वैज्ञानिक, तीन देश के तीन अलग अलग वैज्ञानिक, इन तीनों ने फिर से एक बार मेंडल के नियमों पर एक्सपेरिमेंट किया और उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस निष्कर्ष पर मेंडल सन 1866 में पहुंच चुके थे, 1866 में जिस रिजल्ट पर मेंडल पहुंच चुके थे, उस रिजल्ट पर ये 34 साल बाद सन 1900 में ये पहुंच रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन सन 1900 में उस रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं जिस रिजल्ट पर मेंडल सन 1866 में पहुंचे थे, इसीलिए मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। और कार्ल कॉरेंस, इरिस वॉन सॉर्मॉव, ह्यूगो डिवरीज, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो है सन 1900 में एक्सपेरिमेंट करके मेंडल के नियम की पुष्टि किया है। 1902 में देखिए, 1902 में सटन बोएरी, टी बोएरी का नाम, जिन्होंने क्रोमोसोम नाम दिया सबसे पहले और थियरी बताया, क्रोमोसोमल थियरी, अगर पूछा हु गिव द क्रोमोसोमल थियरी, सटन एंड बोएरी, सटन और बोएरी ने दिया है 1902 में, 1902 में। इसके बाद आते हैं 1905, फार्मर और मुरे, दो वैज्ञानिक, फार्मर और मुरे दो वैज्ञानिक, इन्होंने मियोसिस शब्द का यूज किया है सबसे पहले, मियोसिस शब्द का यूज किया फार्मर और मुरे ने 1905 में। अगला फिर 1905 में देखिएगा, रॉबर्ट कोच, वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले बैक्टीरिया को अभिरंजित किया, बैक्टीरिया को अभिरंजित किया कि ये बैक्टीरिया किस प्रकार के हैं और बैक्टीरिया किस प्रकार के हैं, अर्थात आप लोगों ने देखा कि अभिरंजित बैक्टीरिया आयोडीन से अभिरंजित किया इन्होंने, और बैक्टीरिया को अभिरंजित करने के बाद
यह आविष्कार किया कि बैक्टीरिया होता क्या है और उसको अभिनंदन कैसे किया जाता है, कितने प्रकार का होता है। उनके इस कार्य के लिए, ध्यान दीजिएगा, उनके इस कार्य के लिए सन 1905 में नोबेल प्राइज दिया गया। रॉबर्ट कोच को सन 1905 में ही नोबेल प्राइज दिया गया और 1905 में इन्होंने अपनी डिस्कवरी किया, अपनी खोज किया था। 1909 में, देखिए 1909 में जोहेंसन, साइंटिस्ट जोहेंसन, साइंटिस्ट जोहेंसन 1909 में सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया है, याद रखिएगा, जीन शब्द का प्रयोग जोहेंसन ने 1909 में सबसे पहले किया है। 1911 में, देखिए 1911 में रॉस नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि वायरस, सार्कोमा वायरस क्या है, सार्कोमा वायरस क्या होता है, उसकी खोज किया, सार्कोमा वायरस की खोज किया इन्होंने, जिस और उसमें बताया कि इसमें सार्कोमा वायरस में किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्टेज की क्रिया होती है, यह बताया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। 1966 में नोबेल प्राइज दिया गया, ध्यान दीजिए काफी समय बाद इनको नोबेल प्राइज मिला है। 1911 में इन्होंने डिस्कस खोजा है और 1966 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। 1920 में देखिए गवर्नर और एलॉर्ड साइंटिस्ट हैं, गवर्नर और एलॉर्ड दो साइंटिस्ट जिन्होंने फोटोपीरियडिज्म को बताया, ये ऐसे दो वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले फोटोपीरियडिज्म, प्रकाश दीप्तकालिता अर्थात फोटोपीरियडिज्म, पौधे को किस प्रकार के पौधे को कितना प्रकाश चाहिए, यह अध्ययन अगर किया है किसी ने तो गार्नर और एलॉर्ड ने किया है, जिस टॉपिक को कहा गया कि फोटोपीरियडिज्म, दीप्तकालिता। माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए 1924 में चलते हैं। 1924 में फ्यूजन और रोजनबेग, इन्होंने डीएनए को अभिरंजित कर दिया, डीएनए को अभिरंजित किया, खोज तो हो चुकी है, डीएनए को अभिरंजित करने का कार्य किया 1924 में। और 1926 में देखिएगा जॉन हॉकिंसन, इनकी सबसे प्रसिद्ध बुक रही, जॉन हॉकिंसन की सबसे प्रसिद्ध बुक रही है फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ध्यान रहे इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक रही है जो 1959 में प्रकाशित हुई, और यह इन्होंने दिया है अपनी थियरी, इन्होंने लिखा है अपनी बुक, इन्होंने लिखा है 1926 में और बुक प्रकाशित हुई है 1959 में। अब बुक का नाम है फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए आगे देखते हैं। 1926 में ही वैज्ञानिक वेन इन्होंने पौधों में ऑक्सिन हार्मोन का पता लगाया और ये बताया कि ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लांट के टॉप लेवल पर, एपेक्स लेवल पर पाए जाते हैं, और जब प्लांट्स के टॉप लेवल पर, एपेक्स लेवल पर पाए जाएंगे तो ये बढ़ने में, पौधों के डेवलपमेंट में ये पूरी तरह से हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, इस तरह की थियरी देने का श्रेय जाता है। आगे देखिएगा 1926 में वेडबर्ग ने सबसे पहले अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ध्यान से सुनिएगा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जिसको कहा जाता है द्रुत अपकेंद्रित कहा जाता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इन्होंने इसकी खोज किया, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, इसके लिए इनको 1926 में नोबेल प्राइज दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेंसिलियम नोटेटम से सबसे पहली और सबसे हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाया, जिसका नाम इन्होंने अपने नाम पर पेंसिलिन रखा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिस पौधे को लिया था उस पौधे का नाम था पेंसिलियम नोटेटम, उसी पौधे से सबसे पहले इन्होंने पेंसिलिन नाम की सबसे पहले एक औषधि बताई, एंटीबायोटिक औषधि बनाई, और जिस एंटीबायोटिक औषधि को इन्होंने बनाया उसी पौधे के नाम पर उस औषधि का नाम रख दिया पेंसिलिन।
या सबसे हाई एंटीबायोटिक के रूप में यूज की जाती है, जिसके लिए ये काफी जो है 1945 में फ्लोरी और चेन ने इनमें जो है इन्होंने भी इनके साथ मिल करके और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ मिल करके इन्होंने पेंसिलियम इंजेक्शन, जो पेंसिलिन इंजेक्शन था, उस इंजेक्शन में थोड़ा सा और सुधार कर दिया कि एंटीबायोटिक हाई एंटीबायोटिक है और उसके डोज को अलग अलग डिफरेंट वे में डिवाइड कर दिया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया, ध्यान दीजिएगा। 1931 में आइए, 1931 में बार बार वैज्ञानिक इन्होंने रिस्पायरेशन क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं, इनके कार्यों का पता लगाया और जिसके लिए रिस्पायरेशन कैसे चलता है बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर, बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन की क्रिया कैसे होती है, पौधे श्वसन कैसे करते हैं, जीव जंतु श्वसन कैसे करते हैं, इनके विषय में अध्ययन किया और उनका एंजाइमों का एक्टिविटी क्या होती है, बॉडी के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, इसके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। 1931 में नोबेल प्राइज दिया गया। 1932 में देखिएगा, नॉलन रस्का, दो साइंटिस्ट नॉलन रस्का, इन्होंने इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को बनाया, नॉलन रस्का ने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को बनाया, जिसके लिए नॉलन रस्का को 1986 में नोबेल प्राइज दिया गया। 1986 में नॉलन रस्का को नोबेल प्राइज दिया गया है, ध्यान रहे। 1933 टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फल मक्खी पर आनुवंशिकता के नियम का जो है पूरी तरह से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि इसमें आनुवंशिकता क्या होती है, किस प्रकार से आनुवंशिकी क्या गुण इनमें चलता है, इनको भी 1933 में टीएच मॉर्गन को भी नोबेल प्राइज दिया गया है। अगले साइंटिस्ट हैं 1934 में 1934 में कोमल हाजेन स्मिट और इल्सबर्ग, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडोल एस्टिक एसिड IAA इंडोल एस्टिक एसिड की खोज किया, IAA की खोज किया और इनके साथ साइंटिस्ट ई एच सलवस्की इन 1885 ने भी जो है स्टडी किया था और ध्यान रहे कि जो 1885 पे डिस्कस किया गया था, 1885 में जो डिस्कस किया गया था उसी को आधार मानकर, उसी को बेस मानकर के नॉलन, उसी को बेस मानकर के कोमल हेजन स्मिथ और ने अपना एक्सपेरिमेंट किया है 1934 में। आइए आगे देखते हैं 1935 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। 1935 में एरी टेंसले सबसे पहले पारिस्थितिकी इकोसिस्टम नाम दिया है, इकोसिस्टम नाम देने का श्रेय जाता है एरी टेंसले को, अब कब जाता है 1935 में जाता है, 1935 में जाता है। ध्यान रहे कि इस तरह से आपने देखा कि मैंने काफी थियोरियों को के विषय में आपको बता दिया और हिस्ट्री ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का इतिहास, जिसमें भाग दो में मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं और मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बुक से बता रहा हूं, डॉक्टर अशोक कुमार वेंद्रे की बुक से बता रहा हूं मैं। और ध्यान रहे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सारे टॉपिक को आप लोग नोट करते चलिएगा, बनाते चलिएगा, बिना नोट किए बिना बनाए आप कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगले साइंटिस्ट पर आइए, फिर डिस्कस करते हैं। 1937 में हैंस क्रैब नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, TCA चक्र, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA, जिसको क्रैब्स चक्र के नाम से जाना गया, क्रैब्स चक्र को के विषय में अध्ययन किया, जिसके लिए इनको 1953 में नोबेल प्राइज दिया गया, 1953 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ध्यान रहे अगले हैं साइंटिस्ट 1944 में अवेरी और मैकलियोर, अवेरी और मैकलियोर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया के में रूपांतरण को देखा
और बैक्टीरिया में डीएनए का क्या महत्व होता है इसकी व्याख्या किया है। तो अगले वैज्ञानिक 1944 में देखिएगा वाइजमैन स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, अभी आपने देखा पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज हुई, दूसरी एंटीबायोटिक की खोज हो रही है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज हुई है वॉक्समैन ने किया है 1944 में किया वॉक्समैन ने, जिसके लिए इनको 1952 में नोबेल प्राइज दिया गया। 1952 में नोबेल प्राइज दिया गया, जो है नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और यह सबसे हार्ड वर्क करने वाले साइंटिस्टों को ही मिलता है। अगले देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, 1946 में समनर ने एंजाइम यूरिएज को क्रिस्टल के रूप में अलग किया। एंजाइम यूरिएज, यूरिएज यूरिया के रूप में प्राप्त होने वाला एंजाइम यूरिएज क्रिस्टल के रूप में अलग करना, क्रिस्टल के रूप में इन्होंने अलग किया है, जिसके लिए इनको भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1946 में। आइए आगे देखते हैं, और अगले वैज्ञानिक 1953 में देखते हैं वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, दुगली कुंडलनी संरचना के विषय में बताया। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दुगली कुंडलनी संरचना के विषय में वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले बताया, जिसके लिए वाटसन और क्रिक को जो 1962 में 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि नोबेल प्राइज पाने वाले वैज्ञानिक काफी ज्यादा और काफी हार्ड वर्क किए हैं, जो हार्ड वर्क किए हैं उनको नोबेल प्राइज समय समय पर मिला हुआ है। तो हार्ड वर्क करने वाले साइंटिस्टों को ही नोबेल प्राइज दिए, ये नहीं, मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि अन्य जो खोजें हुई हैं वो अनावश्यक रूप से हो गई है, ऐसा नहीं है। अन्य खोजें भी हुई है, परंतु इनके जितना हार्ड वर्क करके ये लोग नोबेल प्राइज पाए हैं, इतना हार्ड वर्क उन साइंटिस्टों ने नहीं किया। तो जो हार्ड वर्क करेगा उसको जो है उस तरह से प्राइज दिया जाएगा। तो विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल प्राइज, जो दिया गया इन वैज्ञानिकों को। अब आगे देखते हैं फ्रैंकल कॉनरेड, इन्होंने टोबैको मोजैक वायरस टीएमवी के विषय में सबसे पहले बताया। इसी पर देखिए 1958 में देखिए बीडल और टैटम दो वैज्ञानिक इन्होंने सबसे पहले एंजाइम थियरी दिया, एंजाइम के विषय में सिद्धांत बताया कि एंजाइम की थियरी क्या होती है, किस तरह से एंजाइम वर्क करता है बॉडी के ऊपर। और जैसे फिशर ने लॉक एंड की मॉडल दिया था, फिशर की ताला कुंजी परिकल्पना के विषय में आप लोगों ने सुना है, लॉक एंड की मॉडल दिया है, ठीक उसी प्रकार से एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है बीडल और टैटर ने दिया है, जिसके लिए इनको 1958 में ही नोबेल प्राइज दे दिया गया। ध्यान रहे, अगले साइंटिस्ट का नाम मैं बताने चल रहा हूं, 1959 आर्थर और कॉर्नबर्ग वैज्ञानिक ने सबसे पहले पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ध्यान से फिर से सुनिएगा, पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का इन विट्रो सिंथेसिस किया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इसके लिए 1959 में ही इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अगले साइंटिस्ट हैं 1961 में मेल्विन कॉल्विन, कैल्विन साइकिल जो कहते हैं, हेसलैक और कैल्विन साइकिल, तो कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने कैल्विन चक्र की खोज किया और यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन का स्थिरीकरण कैसे किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन का स्थिरीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उनके इस प्रकार करने के प्रक्रम को ध्यान में रख करके जो है इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया है 1961 में नोबेल प्राइज दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, अगले हैं 1965 जैकब और मोनार्ड दो वैज्ञानिक, जैकब और मोनार्ड ने सबसे पहले ओपारिन मॉडल जो दिया था, ओपारिन का जो मॉडल आया था, ओपारिन मॉडल का
को बनाया, तो पायरिन का जो सिद्धांत था उसके मॉडल को तैयार कर दिया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और हैच और स्लैग ने 1967 में C4 और C3 दोनों साइकिलों का, C4 साइकिल क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश से फोटोसिंथेसिस की क्रिया में C4 साइकिल क्या होती है, हैच और स्लैग नाम के साइंटिस्ट ने इसके विषय में सबसे पहले बताया था। 1968 में निहरेनबर्ग जिसको नोरेनबर्ग बोला जाता है, हिंदी में लिखते हैं नोरेनबर्ग और इंग्लिश में लिखते हैं निहरेनबर्ग वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन लोगों ने tRNA ट्रांसफर RNA के विषय में इनकी संरचना को दिया, ट्रांसफर RNA की संरचना को दिया और उनके वर्क को बताया, उनके फंक्शन को बताया, उनकी एक्टिविटी को बताया और उनको सिंथेसाइज किया, जिसके लिए इनको 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो आपने देखा इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इस तरह से आपने देखा कि हैरिस नाम के साइंटिस्ट, हैरिस 1970 में हैरिस नाम के वैज्ञानिक डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में, डीएनए और आरएनए किस प्रकार से सिंथेसाइज होते हैं, डीएनए और आरएनए का किस प्रकार से संश्लेषण होता है, यह हैरिस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं 1972 में बर्ग नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए को बनाया, डीएनए को सिंथेसाइज करके फिर से बनाया, एक डीएनए से दूसरे डीएनए को तैयार किया, प्रतिरूपण बनाया डीएनए का, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया? 1972 में नोबेल प्राइज दिया गया। ध्यान देंगे अगले वैज्ञानिक 1974 क्लॉडे ने 1974 में यह बताया कि कैंसर के अर्बुद माने ट्यूमर, कैंसर का जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर माने आपने पढ़ा है अनलिमिटिंग आउट ग्रोथ को ही ट्यूमर कहा जाता है, अनलिमिटिंग आउट ग्रोथ इसी को ट्यूमर का नाम दिया। और ये बताया कि इसमें कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, कैंसरजेनिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं जिसके कारण बॉडी में कैंसर नामक डिजीज हो जाती है। और यह डिजीज की खोज किया और डिजीज की खोज किया और जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नोबेल पुरस्कार से 1974 में ही सम्मानित किया गया। अगले साइंटिस्ट हैं पायलट, 1974 में साइंटिस्ट पायलट, इन्होंने राइबोसोम की खोज किया जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। राइबोसोम का एक ही वर्क है, क्या वर्क है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का वर्क है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके लिए पायलट को नोबेल प्राइज दिया गया 1974 में। आगे आप देखेंगे 1975 में वाल्टीमोर एंड डुल्बेको दो वैज्ञानिक, वाल्टीमोर एंड डुल्बेको, इन दोनों वैज्ञानिकों ने विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों की खोज किया और आरएनए और डीएनए के विषय में डिस्कस किया, बताया। क्या बताया? आरएनए डीएनए के विषय में, इसमें ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है और इसके इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1975 में नोबेल प्राइज दिया गया। और 1978 में देखिएगा आर्बर और नाथन्स इन्हीं के साथ स्मिथ भी वैज्ञानिक थे, आर्बर नाथन्स और स्मिथ ये तीनों वैज्ञानिक ने रिस्ट्रक्शन एंजाइम की खोज किया जिसके लिए इनको आनुवंशिकी का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार मिला। अब कब मिला? 1978 में मिला है। ध्यान दीजिएगा 1982 में क्लुग वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक एसिड की जटिल संरचना का वर्णन किया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया न्यूक्लिक एसिड का, जटिल संरचना जो न्यूक्लिक एसिड की बनती थी, जो जटिल संरचना न्यूक्लिक एसिड की बनती थी उस संरचना के विषय में स्टडी किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1982 में दिया गया। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स 1983 में देखिए बारबरा और मैक्लिंटॉक ने मक्के में जंपिंग जीन की खोज किया, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। मक्के में जंपिंग जीन की खोज किया है बारबरा और मैक्लिंटॉक ने किया है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अगले वैज्ञानिक है लुई मॉन्स्ट्रिस्टर। अगले वैज्ञानिक लुक मॉन्टिग्नियर। लुक मॉन्टिग्नियर इन्होंने एड्स कवर, HIV एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसके विषय में इन्होंने बताया, और HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के विषय में इनको जो है इनको रवे के रूप में अलग कर दिया। इन्होंने किया है 1984 में। 1988 में आइए देखते हैं, हबेर वैज्ञानिक है और डिसनहॉफर। हबेर डिसनहॉफर ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्रबिंदु खोजा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्रबिंदु खोजा, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से आपने देखा। एक और वैज्ञानिक 1989 में वार्मस वैज्ञानिक, जो कैंसर उत्पन्न करने वाले हाइड्रोकार्बनों की खोज किया और यह बताया कि कहां से कैंसर उत्पन्न होता है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1989 में, विशप नाम के वैज्ञानिक को। तो अगले वैज्ञानिक देख लीजिएगा, चेक और अल्टमैन। चेक और अल्टमैन ने RNA की उत्प्रेरकी संरचना को बताया, इसके लिए इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि ढेर सारे वैज्ञानिक जो नोबेल प्राइज जो पा रहे हैं। 1993 में नोबेल प्राइज मिला है मुलीस नाम के वैज्ञानिक को, मुलीस, जिन्होंने पॉलीमरेज चेन को बताया, मुलीस नाम के वैज्ञानिक ने, और यह बताया कि DNA एक स्वस्थ मनुष्य में DNA की संख्या लगभग 10 लाख से ज्यादा होती है। तो इसके प्रतिरूप भी बनाया इन्होंने, जिसके क्रिया के लिए बताया कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और आइए आगे देखते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। जो है प्रूसिनर, 1997 में प्रूसिनर वैज्ञानिक के विषय में बताता हूँ आपको। प्रूसिनर, इन्होंने प्रियांश की खोज किया और उसका आविष्कार किया, खोज किया, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तरह से आपने देखा। एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2000 में कॉलिंस नाम के वैज्ञानिक और वेंटर, कॉलिंस और वेंटर नाम के वैज्ञानिक ने मानव के अंदर जीनोम की खोज किया और DNA के लगभग 30 लाख टुकड़ों को क्रम को जो है इन लोगों ने स्थानों का पता लगाया, 30 लाख DNA के टुकड़ों के क्रम के स्थानों का पता लगाया मनुष्य के अंदर, और यह बताया कि क्या न्यूक्लियोटाइड लगभग होते क्या है, और एक मनुष्य के अंदर लगभग जो है 50,000 जीन, एक मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण जीनों की संख्या कितनी होती है, 50,000 जीन और 23 जोड़े गुणसूत्र, क्रोमोसोम 23 जोड़े, यह बताया इन्होंने, जिसके जो एक बहुत ही ज्यादा सम्मानित कार्य रहा है, लेकिन इसके लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से सन 2000 तक की हिस्ट्री जो रही वो मैंने आपको अपने पार्ट 2 के माध्यम से, मैं अलीमुद्दीन से कौधरी और जो है अपने कौधरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको बताया। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको जो है हिस्ट्री ऑफ बॉटनी क्या होती है वो मैंने समाप्त कर दिया, बता दिया। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारा जो ये आज का सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2, इसको पूरी तरह से आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा, प्रिपेयर करें, क्योंकि यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक, जो थीसिस, जो ईयर और जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जिस जितना मैंने बताया है, इन सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, और यह सब के सब इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 101% इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अलीमुद्दीन से कादरी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग, मेरा चैनल अलीमुद्दीन से कादरी के नाम से है यूट्यूब पर, उसको सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा कोचिंग क्लासेस है कादरी कोचिंग क्लासेस। तो इसी के साथ मैं DNA की हिस्ट्री, सॉरी बॉटनी की हिस्ट्री यहीं पर समाप्त करता हूं, और अब मैं आपको जो है रसायन विज्ञान की हिस्ट्री बताऊंगा, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी बता दिया दो पार्ट में, हिस्ट्री ऑफ बॉटनी बता दिया मैंने दो पार्ट में, अब बचा है हमारा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं अपने नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।